नमस्कार, मेरा नाम अनुप्रिया है। स्माइल जो आप मेरे फेस पे देख पा रहे हो, एक्चुअली स्माइल के बारे में मैं क्या बताऊँ। स्माइल दो तरह की होती है, जो मैंने बहुत साल की, जिसे प्रीटेंड करना कहते हैं, या फिर रियल जो मैं अभी कर पा रही हूँ। और ये रियल स्माइल और प्रीटेंडिंग स्माइल में क्या फ़र्क होता है, ये इंसान खुद ही जानता है और कोई उसको जान नहीं पाता। शायद कोई करीबी जान सकता है या फिर ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले को हमने देखा नहीं है। तो ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसा इंसान को भेजता है जो हमारी लाइफ चेंज कर पाता है, अच्छी या बुरी। ये तो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, खैर, कि हमारे कर्म कैसे हैं। ओवरऑल मिला के तो इंसान कर्मों पर ही चलता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान किसी न किसी को भेजता है। तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं तो समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, क्योंकि पूरी लाइफ चेंज हो गई है। और हमारी लाइफ में चेंज करने के लिए कोई ना कोई इंसान तो आता ही है, या तो अच्छे वे में आता है या बुरे वे में आता है। कि कोई इंसान आया और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी, कि भैया आया और बहुत पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई जब से वो लाइफ में आया है। या फिर ऐसा कोई इंसान आता है कि जो लाइफ में आया और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। तो ऐसे ही मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना चाह रही थी। मेरी लाइफ आज से 11 साल पहले, जैसे कि बोलते हैं कि स्टार्ट होती है हमारी एक दूसरी लाइफ, स्टार्ट होती है कि हमारी लाइफ में कोई आया और हमारी लाइफ स्टार्ट हो गई, हमारे जिसे हम पार्टनर कहते हैं। ऐसे ही मेरी लाइफ में आया और मेरी लाइफ जिसे कहते हैं झंड हो गई या ख़राब हो गई कह सकते हैं। कहने को वो इंसान अच्छा भी है या बुरा भी है, खैर हम किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो इंसान कम्प्लीटली बुरा है या कम्प्लीटली अच्छा है। फिर भी ये कह सकती हूँ कि मैंने उसके बाद कभी स्माइल नहीं की, और इतने सालों में मैंने रोने के अलावा और अपनी हेल्थ ख़राब करने के अलावा कुछ किया भी नहीं। सोच सोच के बहुत टाइम निकल गया, बहुत चीज़ें की, बहुत पंडितों से मिली मैं, बहुत जिन्होंने बताया किया, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर वही मैंने आपको जैसे कि बताया कि लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, हमें कोई लाइफ में एक अच्छा इंसान मिल जाता है। मुझे भी पंडित जी का एक वीडियो मिला ऐसे ही यूट्यूब पे देखते देखते, मुझे लगा कि चलो देख लिया जाए तो क्या पता लाइफ कब चेंज हो जाए। जैसे कि हम सोचते हैं कि कई बार एक बड़े डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है, एक छोटी सी मेडिसिन काम आ जाती है। अब इस छोटी सी मेडिसिन को हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे लिए भगवान जैसी होती है, लेकिन मेरे लिए तो खैर अनिल कोठारी जी भगवान से भी ऊपर है। क्योंकि मैं भगवान के सामने जब भी रोई, कभी किसी ने सुनी नहीं, हो सकता है कि उन्होंने सुनी हो, या अनिल कोठारी से मिलना उन्हीं का दिया हुआ संदेश है कि आप उनसे मिलवाना। लेकिन बहुत लंबा टाइम मैंने ऐसे गुजारा, उस लंबे टाइम के बाद अनिल कोठारी जी मुझे मिले, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया कि लाइफ ऐसे नहीं गुजरती है, लाइफ में चेंज आते हैं लेकिन कर्म करने पड़ते हैं, अपने अच्छे कर्मों से चेंज होती है। उन्होंने मैंने उनको अपनी नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि बताई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मूंगा पहनो, सफ़ेद मूंगा, जैसे कि उन्होंने ये बताया, सफ़ेद और लाल मूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर मैंने अपने एक जानकार से, जो कि बहुत ही सर्टिफाइड रत्नों का बहुत वो है, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉस्टली हो सकता है किसी के लिए भी, लेकिन लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। जहाँ आप मरने की स्टेज पे आ जाते हैं, जो आपके पास कुछ खोने के लिए रहता नहीं है, तो आप सोचते हैं कि बस हम लाइफ जी लें, हमें कहीं ना कहीं से खुशी मिल जाए। जैसे कि अंधेरी कोठरी में हम ढूंढते हैं कि एक रोशनी मिल जाए, जैसे उसे हम कह सकते हैं। जब मैंने ये पहने थे उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन फिर मैंने अपने कानों के इयरिंग सेल किए, उनसे खरीदे कि अगर मैं मर गई तो कानों के इयरिंग गोल्ड क्या काम आएगा, जब लाइफ में जिंदा ही नहीं है तो गोल्ड का क्या करेंगे हम। लाइफ की वैल्यू ही हमारी लाइफ से, हमारे जिंदा होने से हमारा एक महत्व है, ज़िंदगी में एक वैल्यू है जहाँ हम जी रहे हैं। तो फिर मैंने ये मूंगा बनवाया, जैसे ही पहना लाइफ में बहुत अच्छा हुआ। पंडित जी ने बताया कि वीरवार आपके लिए अच्छा रहेगा, वीरवार के फास्ट कीजिए, वो मैंने किए। केले के पेड़ में पानी डालिए, हल्दी डाल के सूरज को पानी दीजिए, ऐसे ही उन्होंने काफ़ी उपाय बताए मुझे जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। और उन्होंने एक बार ही मुझसे फीस लिया
जो कि उनका जन्म पत्री बनाने का होता है। उसके बाद मैं जितना भी कॉल करती हूँ उनका, कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मुझे ऐसे ही बताते। कभी उन्होंने कभी लालच दिखाई ही नहीं देता उनके यहाँ पे कि मुझे कभी ऐसे बोलते हो कि तुम दोबारा फ़ोन कर रही हो, दोबारा पूछ रही हो तो लाओ मुझे, फिर तुम पेटीएम करो। नहीं, लालच जैसा वर्ड मुझे उनमें दिखाई नहीं देता। ट्रूली स्पीकिंग मेरी लाइफ आज अच्छी है, मेरे कर्म है कि मैं उनसे मिल पाई हूँ। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि इंसान अगर एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जहाँ पे उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उसका काम, उसकी लाइफ, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो ट्राई करते ही रहना चाहिए। प्रयास से ही कुछ होगा, बैठ के जाने से तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा तो विश्वास इतना आँख बंद करके है अनिल कोठारी जी पे कि मुझे तो कुछ भी ऐसा होता है कि बस आगे पैर रखना है तो बस उनसे पूछ के ही रखना है। और लाइफ इतनी अच्छी हो गई है ना, मेरी लाइफ में मिरेकल्स ही हो गए हैं। मेरे समझा नहीं सकती मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे सबसे, आपने स्केलडर्मा बीमारी का नाम सुना होगा, मुझे वो है जिसमें लाइफ बहुत कम हो जाती है, जिसमें बॉडी श्रिंक हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है बॉडी में। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं कि कुछ नहीं होगा लाइफ में, जो पता नहीं क्या अचानक से कुछ भी हो जाएगा, ऑर्गन्स वगैरह जो भी रहते हैं। हौसला टूट गया था, मेंटली फिजिकली बहुत टूट गई थी मैं। सोच ही नहीं सकती थी कि कुछ लाइफ में मिरेकल्स भी हो जाएंगे, लेकिन हुए। मतलब मैं अपने आप में एक आपके लिए एग्जांपल हूँ सच में, एक कि लाइफ चेंज हो सकती है। मुझे तो लगता ही नहीं था, मुझे लगा 2-3 साल और जीना है और पता नहीं कैसे जीना है, समझ ही नहीं आ रहा था कि कब कैसे मर जाना है। लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, कुछ भी, बस कुछ भी क्या समझा सकती हूँ मैं आपको, मतलब वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको भगवान पे ट्रस्ट है, ऊपर वाले पे ट्रस्ट है, तो एक बार हमारे अनिल कोठारी जी पे ट्रस्ट करके देखिए। रियली आप मुझे कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। ऊपर वाले से मैं ये दुआ करूँगी कि आप लोग भी दिखाएं उनको और वो आपको कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं जैसे कि मुझे बताया और मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी लाइफ में भी बुरी है, सब बहुत अच्छी है। अच्छी जॉब है, अच्छी मेरी मैरिड लाइफ है, मेरा मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, इतना लविंग हस्बैंड, इतना केयरिंग। मैं तो सोचती नहीं थी कि मुझे कोई, मतलब ऐसे कोई मिलेगा भी, लेकिन मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से कि कैसे, वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपना भाग्य आजमाएं एक बार ज़रूर। इंसान कहीं कोशिश करता है, एक डॉक्टर से नहीं जाता, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, दूसरा डॉक्टर नहीं करता है तो तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन हौसला नहीं टूटना चाहिए इंसान का। लेकिन मैं तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा, मेरी डेस्टिनेशन यही थी, मेरी फाइनल जो मंजिल थी बस अनिल कोठारी जी थे। मेरे तो भगवान से ऊपर लगते हैं वो, कि मुझे बस ऐसे लगता है कि जब वो मुझे मिल गए तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। एक कोठारी जी ये हैं जो मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। जब हम स्कूल में जाते हैं हमें टीचर बस यही ज्ञान का रास्ता दिखाता है, चलना हमारा काम है। ऐसे ही अनिल कोठारी जी भी आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, चलना आप लोगों का काम है। अपने कर्मों से, उनके द्वारा बताए गए उपायों से आप कैसे लाइफ में चेंज ला पाओगे ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप खुद करके देखिएगा और आप बोलेंगे कि मैं सच बोल रही थी, क्योंकि मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत कीजिएगा। कोई सोच रहा है जिंदगी ख़त्म करने की, वो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं और किसी न किसी के द्वारा होते हैं। मेरे साथ हुआ है तो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों को बता पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पर, होते तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाती थी मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो वो भी एक मिरेकल से मिले हुए भगवान जैसे ही हैं सच में। एक कोठारी जी वो हैं जिनकी वजह से मुझे वो मिले, और जो मिले हैं वो भी कोठारी जी ही हैं खैर। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से, खैर मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग खुद समझदार हैं। जब तक आप नहीं आजमाएंगे आप विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग आजमा के देखिए, उनसे उनके बताए गए उपायों से चल के देखिए, उनसे जन्म पत्री दिखा सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की खैर। लेकिन बाकी मैंने आजमाया और मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो मैं तो उनका सत सत मतलब नमस्कार है उनको, और हमेशा पूजूंगी उनको। जब तक मैं जीऊँगी उनकी दी हुई ज़िंदगी है मेरी, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूँगी कि हाँ मतलब ये ज़िंदगी मेरी रियल में दूसरा जन्म है मेरा, और इसी जन्म में मुझे दूसरा जन्म मिला है, उनकी वजह से ही मिला है। तो मैं तो उन्हें हमेशा ही भगवान का दर्जा दे के रखूँगी, और
मतलब यही मैं उनसे दुआ करूँगी, उनकी अच्छी ज़िंदगी रहे, बहुत ऊंचाइयों पे जाए वो। खैर बहुत ही ऊंचाइयों पे हैं वो आज भी, उनके इतने लाखों सब्सक्राइबर हैं और रियल में उनका लोग तरसते हैं उनसे बात करने के लिए, और मेरी उनसे बात हो जाती है। मैं अपने आप को रियली लक्की समझती हूँ कि मैं रियल में उनके टच में हूँ, और सच में मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी स्पीचलेस हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर बोलने लगी और मैं बताने लगी कि क्या क्या मिरेकल्स हुए मेरी लाइफ में उनसे मिलके, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं हुआ कि आप लोग ये सब सुने। मैं तो चाहूँगी कि आप लोग अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में आजमाएं इस चीज़ को, उनके उनसे मिले, उनसे उनसे बात करें, उनसे रियल में दिखाएं लाइफ में वो आपको क्या गाइड करेंगे और लाइफ आपकी क्या चेंज हो जाएगी। आप रियली मुझे मतलब अप्रिशिएट करेंगे इस लाइन को, इस वीडियो को, कि मतलब हमने ये देखी और हमारे रियल में लाइफ चेंज हुई। मैंने तो खैर एक ही वीडियो देखी थी, और उसके बाद तो मैं हर वीडियो देखती हूँ उनका, और हर चीज़ फॉलो करती हूँ उनकी, और धर्म में विश्वास भी बढ़ गया मेरा, लोगों पे विश्वास भी बढ़ गया। जैसे और पंडितों से धोखा खा के मेरा एक बार उड़ गया था, लेकिन आज मेरा रियल में बढ़ चुका है, और मैं तो इन्हीं को ही मानती हूँ। खैर मैं औरों को तो नहीं मानती, हो सकता है और भी बहुत अच्छे हों, लेकिन मेरे लिए ही मेरे भगवान हैं और सब कुछ हैं। धन्यवाद, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया। नमस्कार।